हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट रिपेयर। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है टेबल फैन रिपेयरिंग का, जो कि कोयल टेस्टिंग और कोयल रिपेयरिंग के बारे में कुछ टिप्स आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और रिपेयरिंग से रिलेटेड और बहुत सारे चीज़ों से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, इस कोयल को कैसे चेक करेंगे और कैसे पता करेंगे कि हमारा जो कोयल है ख़राब है या डैमेज है या किस कंडीशन में अभी हमारा जो है कोयल है। तो चलिए, चेक करने के लिए हमारे पास दो चीज़ का ज़रूरत चीज़ जो है होना ज़रूरी है। एक पहले आपका जो है मल्टीमीटर, जिसका वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, उस मल्टीमीटर को परचेज कर सकते हैं। और एक जो है सीरीज टेस्ट लैंप, जो कि वेरी बहुत ही सिंपल 100 से 150 रुपये के अंदर में आप इजीली अपना घर में तैयार कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे वीडियो को देख के आप उस सीरीज टेस्ट लैंप को इजीली अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा कोयल है, इस कोयल को पहले मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सीखेंगे। इस मल्टीमीटर का वीडियो जो हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई भी मल्टीमीटर उससे आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेक करेंगे, जो कि रेजिस्टेंस में सेलेक्ट कर लिया मैं, जहाँ से कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। तो किसी किसी कंटिन्यूटी टेस्ट में ही रेजिस्टेंस चेक करने का दिया रहता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इस कोयल का जो है हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, कितना आ रहा है और कितना आना चाहिए और कितना आ रहा है वो चेक करेंगे यहाँ पे कि गड़बड़ी किस में है। तो चलिए, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दो वायर के बीच में, एक ये और एक पीला। तो देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। तो मेगा ओम में दिखा रहा हमारा शरीर का रेजिस्टेंस, तो ये आपका दिखाएगा ही शरीर का रेस्ट, शरीर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर भी मेगा ओम के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा, मतलब कि कोयल में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर लगाते हैं रेड वाली वायर में, जो कि कॉमन हमारा, और इस वाली पॉइंट में 200 मतलब 300 के लगभग में यहाँ पे जो हमारा जो है एक में बता रही है, और सेकंड में भी कुछ उसी के अंदर में बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता रही है। अब मैं नया कोयल टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, उसमें कितना बता रहा वो भी दिखाऊंगा। तो ये कोयल जो है अंदर से डैमेज है, और कहाँ डैमेज है उसको भी आज मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड, ताकि आप इजीली समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए 217 मतलब 280 के आसपास यहाँ पे वैल्यू जो मुझे दिखा रही है, और ये दोनों वायर में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है। यहाँ पर लगभग 400 के आसपास वैल्यू आना चाहिए था ये दोनों वायर के बीच में, और जो दो वायर के बीच में 400 का आता है, और जो मैं आगे वीडियो में बता देता हूँ तभी आप समझ पाओगे। तो चलिए, मेरे पास यहाँ न्यू कोयल है, ये मैं मार्केट से परचेज करके लाया हूँ। इजीली ये सब कोयल जो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो कॉमन वायर यहाँ पर रेड है, लेकिन आपको कॉमन वायर नहीं पता है, फिर भी आप कोई भी वायर में लेके चेक करिए, आप कॉमन वायर को पता कर पाएंगे। तो चलिए, इस वायर से लेके मैंने यहाँ पर चेक किया 258, और वो था ओरिजिनल कॉइल, उसमें 279 बता रहा था। तो चलिए, दूसरी वायर में कितना बता रही देख लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा के अंतर नहीं है। तो ओरिजिनल कोयल फ्रेंड ओरिजिनल ही होता है। तो चलिए, यहाँ पे अभी दोनों वायर के बीच में चेक करेंगे, और देखिए यहाँ पे लगभग 400 के आसपास वैल्यू बताएगा। तो फ्रेंड, जो दो वायर के बीच में 400-500 के आसपास वैल्यू बताएगा, उस दो वैल्यू को छोड़ के, दो वायर को छोड़ के, बाकी जो तीसरा वायर बचेगा वो हमारा कॉमन वायर होता है, जो कि रेड यहाँ पर हमारा जो है कॉमन वायर है। तो इस कॉमन वायर को मैंने कॉमन में देंगे, और बाकी दो वायर जिसमें 400 का वैल्यू 500 का वैल्यू बता रहे हैं वो दोनों में कैपेसिटर जोड़ेंगे। उसके बाद जो है डायरेक्शन जो सीधा चलेगा, तो जिसमें सीधा चलेगा उस वाली पॉइंट में जोड़ देंगे, और हमारा जो है डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन को करना है फ्रेंड। तो चलिए, मैं पुराने वाले कोयल को लेकर आते हैं और उस कोयल को रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कटिंग करेंगे और इसको खोलेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या होता है हमेशा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप से एक बार चेक करते हैं, ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है, एक में बता रही है और एक पॉइंट में यहाँ पे भी नहीं बताएगी। और सीरीज टेस्ट लैंप में जो है एक्यूरेट कोयल का चेकअप हो जाता है हमारा। तो चलिए, यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप में भी चेक किया और ये फेलियर हो चुका है, जो कि बता नहीं रही है। अब मैं इस कोयल को खोलेंगे, उसके बाद इस कोयल को भी चेक करेंगे। तो चलिए, इसको यहाँ पर जो भी वायर यहाँ पर लपेटा हुआ है उसको यहाँ पर ये कर देते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड, हमने निकाल लिया, और यहाँ पर जो अलमुनियम कोयल में ये शिकायत हमेशा आएगा, जो कि वायर सड़ जाएगा, गल जाएगा, और ये
यहाँ से फॉल्स होता है, जिसके कारण से हमारा जो है कनेक्शन सही से बताता नहीं है और हमारा कोयल जो है सही से काम नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है अलमुनियम कोयल में हमेशा आते रहता है। देखिए वायर टूट गया है, किसी में वायर डैमेज है, किसी में कुछ है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड न्यू वायर को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कैसे न्यू वायर को इंस्टॉल करेंगे, चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो ये मैंने जो भी वायर है उसको निकाल ले रहा हूँ और सभी वायर को चेंज कर रहा है। जब भी अलमुनियम कोयल का कुछ भी करे तो, क्योंकि लगाने के साथ साथ दूसरा वायर भी डैमेज हो सकता है, तो वो वाला टेंशन मत लें कि फिर खोलना पड़ जाए दोबारा वायर के लिए। तो ऐसा कांड हमारे साथ हो चुका है, तो ये काम ना करें आप। तो चलिए मैं सारी वायर को जोड़ लेता हूँ और एक ही बार जो है फिनिशिंग काम करने का आप कोशिश करें फ्रेंड। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक ही बार ही सारा वायर को जोड़ेंगे और चलिए वायर को ले लेते हैं। अब हमारे पास वायर आ चुका है, पहले एक बार सिरिंज टेस्ट से चेक करेंगे कोयल हमारा जो सही है कि नहीं। तो ये देखिए कोयल हमारा एक तरफ सही बताया, दूसरा भी सही बताया और ये हमारा कोयल जो एक्यूरेट सही है। ग्राउंड टेस्ट कर लेंगे बॉडी के साथ में, तो वो ग्राउंड टेस्ट होगा जो कि बॉडी ग्राउंड ना हो, वो चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं या आपसे हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए पहले इसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो कोयल ग्राउंड नहीं है और अलमुनियम कोयल जो जल्दी से आपका ग्राउंड नहीं होता है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी काल हो सकता है तो ग्राउंड टेस्ट भी आपको मैं बता दूँगा। तो चलिए यहाँ पर वायर के कनेक्शन को जोड़ लेते हैं, रेड के रेड में जो कि हमारा कॉमन है, और बाकी जो वायर दो बच गया उसमें कोई भी कलर हम डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कॉमन वायर जो होता है फ्रेंड रेड ही डालें ताकि सभी की समझ में आ जाता है। और अन्यथा समझ में नहीं आता आपको तो आप जैसे कि मल्टीमीटर में दिखाया चेक करके, ऐसे चेक करके आप पता कर सकते हैं हमारा जो कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पर मेन जो हमारा वीडियो फ्रेंड कॉमन पॉइंट और वायर कनेक्शन के बारे में ही मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। इसमें जो है सारा चीज़ फिटिंग वुटिंग करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली यहाँ पे कर पाओगे। तो चलिए मैं वायर को लगा लिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लपेट लेंगे। यहाँ अलमुनियम वायर अगर झड़ गया हो तो माचिस से अपना ये कर लीजिएगा, जिसके मैं आगे वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, तो उस चीज़ को यहाँ पर आप कर पाओगे फ्रेंड। तो चलिए मैं इस वाले वायर को भी लगा लेता हूँ और यहाँ पर जो फ्रेंड हमारा जो वायर कनेक्ट कर लिया हूँ और एक वायर और बच गया, उस वायर को भी यहाँ पे लगा लेता हूँ और ये वायर को यहाँ पे लगाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए वायर जो है थोड़ा सा इंसुलेट रहता है, इसलिए इसमें माचिस से ये करना पड़ेगा ताकि इंसुलेशन हट जाए और इजीली यहाँ पे कनेक्शन कर पाए। तो जिस जिस वायर पे इंसुलेशन रहेगा उस वायर को इंसुलेशन हटा के यहाँ पे जो है कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। अब हमारा जो है ये इंसुलेशन को हटा लिया हूँ और यहाँ पर अब मैं कनेक्शन करूँगा। तो आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो इजीली अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और इस वीडियो से कुछ भी मोटिवेट कुछ भी आपको जानकारी मिलता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इजीली अपना प्रॉब्लम को होम में या दुकान है तो आप इजीली अपना सॉल्व कर पाएँ। और आपका दुकान है तो आपको तो पता ही होगा इस सब प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर धागा से भी बांध सकते हैं या अपना जो है टाई बेल्ट टाई क्लिप जो है उससे आप यहाँ पे क्लिपिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टाई क्लिपिंग से क्लिप कर दूंगा ताकि बहुत ही इजीली हम यहाँ पे क्लिप कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे टाई क्लिप लेकर आता हूँ और यहाँ पे टाई क्लिप करेंगे। तो ये हमारे पास टाई क्लिप आ चुका है।
तो मैं फटाफट टाई क्लिप को लगा लेता हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ को पंखे से रिलेटेड जानकारी है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं आपके लिए वीडियो को मोटिवेट करके और अच्छे तरीके से बना के आपको दिखाऊंगा, ताकि हर तरह का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करते हैं। यहाँ पर जो इसका ओम का वैल्यू देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बता रहा है ओरिजिनल, और या हाई स्पीड कोयल है जिसके कारण से यहाँ पे जो इसका वैल्यू अलग है। तो हो सकता है, लेकिन ये हाई स्पीड कोयल है फ्रेंड, मैं इसका मुझे पता नहीं था लेकिन अभी मुझे याद आया, तो ये हाई स्पीड कोयल है। और यहाँ पे देखिए 400 के आसपास दो वायर में बता रहा, तो ये दो वायर में कैपेसिटर जुड़ेगी और एक वायर जो बच गया वो है हमारा कॉमन, जो कि डायरेक्टली लाइन के साथ जुड़ जाएगी फ्रेंड। अब चलिए इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करना भी बहुत आसान है और बहुत कठिन भी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और बहुत ही आसान होने वाला है। तो इस चीज़ को, अगर सॉफ्ट बूस्ट ख़राब है तो सॉफ्ट बूस्ट को चेंज कर दें, तभी जाके इजीली अच्छे तरीके से फिटिंग करके आप अपना पंखे को चला पाएंगे। तो सॉफ्ट बूस्ट कैसे चेंज करते हैं इसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, और जाके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है उसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे वीडियो बनाने में। और इजीली यहाँ पर फिटिंग करेंगे और अपना एडजस्ट करके यहाँ पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा कुछ कुछ बातों का मैं बता दूँगा जिससे कि प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ताकि आप अपना जो प्रॉब्लम को फिटिंग को अच्छी तरीके से फिटिंग कर पाएंगे। हम भी एक ही दिन में मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया था, मुझे भी टाइम लगा सीखने में, तभी जाके मैं कर पाया हूँ, तो आपको भी सीखने में टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो कितना गैप आ रही है आगे पीछे, तो इसमें वाशर लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं वाशर लगा के एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे खोलेंगे, पीछे में वाशर लगाएंगे, बूस का जगह छोड़ के जितना में बूस रहे, तो ज़्यादा वाशर का ये नहीं करें, तो एक नॉर्मल हद तक ही करें जो कि ज़्यादा गैप ना रहे। ज़्यादा गैप रहने से भी आपका जो है पंखे का स्पीड में या थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे कि नोजेज आएगा कुछ अलग अलग। तो वाशर को ज़्यादा गैप ना रखें, जो शाफ्ट है आगे पीछे ज़्यादा ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो फ्रेंड मुझे भी सीखने के लिए बहुत ही टाइम लगा था, और आज जाके मैं कंप्लीट सीख चुका हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम होती है फिटिंग में, तो इजीली मैं प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व कर पाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर शाफ्ट को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे शाफ्ट का मैच करेंगे होल को, और इजीली यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं तो शाफ्ट, एक मिनट, शाफ्ट तो मैं उल्टा लगा रहा हूँ, इसको डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो शाफ्ट आप किधर से भी लगाएं, आपका पंखा में जिधर से सूटेबल और अच्छे तरीके से आपका लग जाए फ्रेंड, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और चलिए मैं यहाँ पर शाफ्ट को लगा लेते हैं सही डायरेक्शन में, और इस चीज़ को ध्यान में रखें, शाफ्ट जो है आपका लगे किस डायरेक्शन में लगी हुई थी, इस चीज़ को आप याद रखें, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है पंखे की फिटिंग में, मेहनत बेकार हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए दो ठो मैंने लगा लिया हूँ, और देखते हैं फ्री कितना हो रहा है। हाँ वो तो रहा लगभग, लेकिन चलिए चारों लगा के एक बार मैं पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे, डोनट लगा के एक बार देख लेंगे हमारा जो फ्री कहाँ तक हो रहा है फ्रेंड। तो चलिए हमारा जो है, अब चारों को चारों लगा लेते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड मैंने चारों का चारों लगा लिया, और नट को उतना कसें जहाँ तक एक लिमिटेड हो जाए कि हमारा जो है पंखा सही चल रहा है, और ज़्यादा ढीला भी ना रखें, क्योंकि ढीला रखने से आपका जो है बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हद तक है टाइट कर लेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ उस ट्रिक से इजीली अपना जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग से भी रिसॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी अलग अलग टेक्निक को अपनाना पड़ता है, उसके बाद ही जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इजीली सिंपल सा बात ये है फ्रेंड, ऐसा कोई प्रॉब्लम जल्दी से आता नहीं है, आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका ज्ञान का ज़रूरत है।
अब देखिए मैंने थोड़ा सा ठोका इसका पंखा का, देखिए हमारा फ्री हो गया। अब तरीका देखिए मैं ठोकने का आगे पीछे, उस हिसाब से आप यहाँ पे फ्री कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट होने के बाद जो आपका फ्री हो जाएगा। और ये हमारा लगभग फ्री हो चुका है, थोड़ा सा और कमी है, थोड़ा सा कमी है। और ये देखिए हमारा जो पंखा पूरा फ्री हो चुका है। तो थोड़ा बहुत तो ये चीज़ होता ही है, आप पंखा चल लाइन में देखे चलाने के बाद भी एक बार एडजस्ट करना, ताकि कोई होमिंग कोई नोजेज ना आए। तो ये तो फ्री हो, ये तो फ्री आप इजीली कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंखा चलने के बाद भी नोजेज आती है, उस टाइम भी फ्री सही से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड, ताकि आप सही से इजीली कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का नोजेज और किस तरह का प्रॉब्लम आती है। चलिए मैंने पंखा का चालू कर लिया है, यहाँ पे कुछ नोजेज आ रही है, तो यहाँ पे भी इजीली थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरा पंखा जो है मोटर जो है आवाज़ कर रहा, थोड़ा सा ठोक गया और एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि आवाज़ ना करे। अभी मेरा जो आवाज़ आ रही है, अभी मैं दिखाऊंगा पूरा फुल्ली एडजस्टमेंट करके, थोड़ा सा नट को भी टाइट करके देख लीजिएगा, ताकि इजीली आप वहाँ पे कर पाएंगे। थोड़ा सा ढीला और टाइट करके एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा ताकि इजीली ये जो नोजेस है फ्रेंड ये आपका आ सकता है। तो इस चीज़ को मैं ठीक करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, और इजीली यहाँ पे प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान दीजिए। और देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर लिया हूँ, और हमारा जो कोयल सही तरीके से वर्क कर रहा, और हमारा जो है मोटर जो है सही हो चुका है। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा ये करके आप अपना मोटर को सही कर सकते हैं। हाँ, अगर शाफ्ट बूस्ट ख़राब है फ्रेंड, तो आप कितना मेहनत कर लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ये चीज़ आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत करती है। तो चलिए हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।